अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड है, हम लोग इसमें चैप्टर नंबर 9 को आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 बेसिकली इज अ पॉइजनस प्लांट। ये आपके स्पेशल रेफरेंस टू द पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ नॉर्दर्न एरियाज हैं या ग्राउंड एरियाज जिन्हें हम मैदानी इलाके कहते हैं या पहाड़ी इलाके कहते हैं, मरी, नरान, कगान, चित्राल, हुंसा, कश्मीर, इन सब एरियाज में पाए जाने वाले कुछ ऐसे प्लांट्स हैं। अगर उन प्लांट्स की आप क्वांटिटी या उन्हें बाय मिस्टेक इनटेक कर लेते हैं तो वो प्लांट्स आपकी बॉडी में जाते ही आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी जनरेट करेंगे। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो आपकी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर इफेक्ट जनरेट करते हैं। हमने उन्हीं बेसिस पर कि उनकी टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी के किन किन हिस्सों पर है और उनसे प्रोड्यूस होने वाले जो इफेक्ट्स हैं वो कितने ज्यादा हार्मफुल हैं और किस तरह के हैं, हम लोगों ने उनको क्लासिफाई किया हुआ है 4 डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। लाइक प्लांट कॉजिंग GIT टॉक्सिसिटी, वो प्लांट जो कि GIT टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, वो उनकी उनकी क्या कैटेगरीज हैं, वो किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं और उनके नाम क्या हैं। स्पेसिफिकली हम उनके साइंटिफिक नेम याद करेंगे, बच्चों ये बात याद रखनी है, हम लोग उनके नॉर्मल नेम से याद नहीं करेंगे, हम उनके साइंटिफिक नेम याद करेंगे। एंड द सेकंड वन, प्लांट कॉजिंग द CNS टॉक्सिसिटी यानी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉक्सिसिटी यानी के आपके ब्रेन की बात की जा रही है। एक और कैटेगरी है जिसे प्लांट कॉजिंग कार्डिक वेस्कुलर टॉक्सिसिटी यानी के जो दिल की टॉक्सिसिटी, हार्ट की टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। फिर उसके बाद है साइनोजेनेटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो आपके जीन्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं जिससे आपके DNA के अंदर या आपके जेनेटिक्स के अंदर वेरिएशंस आती हैं, उनकी कैटेगरीज हैं। तो आज जो हम लोग कंप्लीट करेंगे वो तो आपकी GIT टॉक्सिसिटी प्लांट्स हैं। ये बात याद रखिएगा, ये पोर्शन काफी हद तक कॉम्प्लिकेटेड और टफ है। इसमें जो सबसे ज्यादा टफ पाते हैं वो इनका साइंटिफिक नेम याद करना है, तो इस वजह से हम बार बार उसे रिपीट करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेशली साइंटिफिक नेम लिखने की। साइंटिफिक नेम जो लिखने का रूल था वो हमारे पास है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया था तकरीबन बहुत हजार साल पहले, और जिसमें हजार साल पिछले लास्ट सदी के अंदर, और कार्डियस ल्यूनियस आपके एक साइंटिस्ट थे जो 1718 में आई थिंक सो ये पैदा हुए थे और 1780 में इनकी डेथ हुई थी। तो इन्होंने दुनिया के सामने एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है, यानी कि जैसे पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में ही बेतहाशा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लाइक पंजाबी, उर्दू, सराइकी, पश्तो, इसके बाद और बहुत बेतहाशा, ये तो वो हैं जो मेजर हमें पता है, सिंधी जबान। अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में तो बंगाली, तमिल और उसके अलावा हिंदी, फिर उसके अलावा इतनी क्या है कि शायद हम काउंट भी ना, मेरा ख्याल है शायद 100+ लैंग्वेजेस वहाँ बोली जाती हैं। इस जापानीज है, कैनेडियन है, रशियन है, पुर्तगाली है, हंगरी की लैंग्वेज है। तो हर एक लैंग्वेज में जो वर्ड है उसका मतलब सेम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान में चेयर का मतलब है कुर्सी, तो हो सकता है कि पुर्तगाल में चेयर का मतलब हो दरवाजा, हो सकता है कि वो आपकी तमिल के अंदर उसका मतलब हो, चेयर का मतलब हो एक फूल। तो यही इश्यूज की वजह से कार्नियस ल्यूनियस साइंटिस्ट ने दुनिया के अंदर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करवाया, और उसने कहा क्यों ना हम पूरी दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी जानदार हैं, स्पेशली स्पीशीज, नॉट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, स्पीशी को एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं और वो नाम पूरी दुनिया में हर लैंग्वेज में सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि ह्यूमंस इज अ स्पीशीज, चाहे वो पुर्तगाल के ह्यूमंस हैं, चाइना के ह्यूमंस हैं, रशिया के ह्यूमंस हैं, या हमारे हम लोग हैं पाकिस्तानी, इंडियन, एशियन, हम सब का एक ही साइंटिफिक नेम है, द नेम इज अ होमो सेपियंस, ठीक है। अब ये हमारा साइंटिफिक नेम है। अगर आप लोग कभी होमो सेपियंस कहते हैं पुर्तगाल में जाके कि मैंने इन पे रिसर्च किया, तो उसको समझ आ जाएगी कि आपने ह्यूमंस पे रिसर्च किया है। एलियन सिप्पा प्यास की बात की जा रही है, अनियन की बात की जा रही है, ठीक है, राना टिग्रीना फ्रॉग की बात की जा रही है, ब्रासिका कम्पैसिटस,
आपकी बात की जा रही है उसकी सरसों के पौधे की, ठीक है, इस तरह बेतहाशा आपके जानदारों के स्पीशीज के साइंटिफिक नेम रख दिए गए थे। ये सारी बातें बताने का मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ पर भी हमने डिस्कस करने हैं साइंटिफिक नेम। अब साइंटिफिक नेम को लिखने का एक रूल है जो रूल आप फॉलो करेंगे हर हाल में। साइंटिफिक नेम जो है वो टू वर्ड्स पर कंसिस्ट करता है। द फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज जीनस एंड द सेकेंड वर्ड इज अ स्पीशी। जीनस को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है और स्पीशी हमेशा स्मॉल लेटर से लिखी जाती है। अगर आप इसे कंप्यूटराइज करेंगे तो वहां पर एक इटालियन का ऑप्शन होता है कि यानी तिरछा, आप इटैलिक कर देंगे ताकि सबको पता चलेगा इट्स अ साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पेसिफिक स्पीशी। बट अगर आप ये बाय हैंड आप कुछ लिख रहे हैं तो आप उसे बोल्ड करेंगे यानी मार्कर से लिखेंगे, अंडरलाइन कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक साइंटिफिक नेम में अलाउ नहीं है। सिंगल वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो पूरा नाम तब्दील हो जाएगा। दैट्स व्हाई इस चीज का आपने ख्याल रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और ट्राई करें कि जो साइंटिफिक नेम है वो एक ही लाइन पे हो, ये ना हो कि उसका एक वर्ड एक लाइन पर दूसरा वर्ड दूसरी लाइन पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दोनों एक साथ एक ही लाइन पर लिखें, ठीक है। चलें जी हम स्टार्ट करेंगे। प्लांट कॉजिंग GIT टॉक्सिसिटी, वो प्लांट जो कि GIT टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं वो कौन कौन से हैं। उनमें से फर्स्ट कैटेगरी हमारी कि वो प्लांट्स अगर आप जिन्हें ओरल रूट से बॉडी में इंटेक करेंगे तो वो आपके माउथ या ओरल कैविटी की टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, तो वो ये थ्री प्लांट्स हैं, ठीक है। ये थ्री प्लांट्स हैं, अगर आप इन्हें ओरल रूट से अपनी बॉडी के मतलब बेसिकली आप इसे इंगल्फ करेंगे, चाहे आप उसके पत्ते खाएं, उसके बीज खाएं, या उसके अलावा आप उसके जो हैं ब्रांचेस हैं बार्क है, कोई भी चीज अगर आप इनटेक करते हैं तो ये आपकी ओरल कैविटी और माउथ की टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। द फर्स्ट नेम इज हीरा टाइफाइलम, एरिसेमिया ट्राइफलिन, ट्राइफाइलम, ठीक है। एरिसीमा, एरिसीमा ट्राइफाइलम, ये याद फाइलम, रखिएगा। जो फर्स्ट वर्ड है इज अ जीनस, आप देख सकते हैं कि उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल वर्ड में है एंड द सेकंड वर्ड इज अ स्पीशी which is started from a smaller word is a T. T is a small letter, ठीक है। लेकिन इस बुक का ये मिस्टेक है, इट इज नॉट इन द इटैलिक फॉर्म, क्योंकि ये कंप्यूटराइज फॉर्म थी, इट शुड बी इन इटैलिक फॉर्म, इसे इटैलिक स्टाइल में यानी तिरछा होना चाहिए था, बट ये नहीं है। आप लोग अगर पेन से लिखेंगे तो इट शुड बी अ बोल्ड, वो बोल्ड होना चाहिए। अगर वो बोल्ड नहीं होगा तो मैं उस कॉपी को, उस प्रैक्टिकल कॉपी को क्रॉस कर दूंगा, आपको दोबारा से काम करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल्स में ये तमाम ये पोर्शन प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरेटिकल दोनों में इंक्लूड होता है। तो एरिसीमा ट्राइफाइलम, एरिसीमा ट्राइफाइलम, प्लीज इसे अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, ये वर्ड्स आपको बोलने आने चाहिए। एंड द सेकेंड वन इज अ हिरा, कोलकासिया एस्को एस्कोलैंड नानाटा। एस्कोलेंटा। मैं कोई बात नहीं बच्चे, हीरा मैं इस वजह से आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग बोलें, क्योंकि ये वाकई वर्ड्स बहुत टफ होते हैं, तो इसलिए परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं है। कॉल कैसिया, ठीक है, इसे कैशिया भी बोल सकते हैं बच्चों, ये वर्ड भी बोला जा सकता है, कॉल कैशिया, ठीक है, क्योंकि एस जो है वो सीन और शीन दोनों की वजह निकालता है। एस्कोलेंटा, एस्कोलेंटा, ठीक है। एरिसीमा ट्राइफाइलम एंड कॉल कैशिया एस्कोलेंटा, ये दो ड्रग्स के मैंने आपको नाम बताए। तीसरी का नाम पड़ेंगी हीरा, वेरी आरुम जैक्यू मोंटी। गुड, अरम जैक्यू मॉन्टी, ठीक है, बिल्कुल सही बोला। तो ये तीन प्लांट हैं, अगर आप इन तीनों में से ये कोई भी प्लांट बाय मिस्टेक आप इंगल्फ कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपकी ओरल कैविटी और माउथ की टॉक्सिसिटी यानी अल्सरेशन कॉज कर सकती हैं। इन तीनों का ताल्लुक एक ही फैमिली से है और उस फैमिली का नाम क्या है, एरिएसी। एरिएसी जिस भी चीज के आखिर पर एसी का नाम होगा, एसी उसका मतलब है इट्स अ फैमिली, इट्स अ फैमिली। तो इन तीनों का ताल्लुक एक ही फैमिली से है जिसका नाम क्या है, एरिएसी, ठीक है। दोबारा से नाम एक दफा रिपीट करते हैं, लेकिन मैं नहीं अब करूंगा, मैं जिस बच्चे से कहूंगा वो रिपीट करेगा। चले हीरा आप अपना माइक ऑफ कर लो बच्चे। आमिर
नवाज, आमीन नवाज अपना माइक ऑन करें। जी बच्चे पहले प्लांट का नाम पढ़ो। एरिसीमिया ट्राइफाइलम। ट्राइफाइलम, फाइलम, ठीक है, एरिसीमा ट्राइफाइलम। दूसरे का नाम पढ़ें। कोलकेशिया एस्कुलेंटा। एस्कुलेंटा, ठीक है। थर्ड, एरम जैकुमोंटी। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो आप लोगों ने ये नाम अच्छे तरीके से याद करने हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने बच्चों को याद करने के लिए कहा तो एक बच्ची का मैसेज आया, सर मेरे घर वाले कह रहे हैं कि तुम पागल हो गई हो, किस तरह की बात आवाजें निकाल रही हो, किस तरह बोल रही हो, मुझे इतनी हंसी आई है वर्ड सुन के। बाकी इनके नाम मुश्किल है, इनके नाम बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन बच्चों आप रेगुलरली इन्हें पढ़ते रहोगे ना, यानी कि फॉर अभी पढ़ा है, आप कोशिश करो कल परसों फिर एक दफा निकाल के इसे पढ़ो, देख के पढ़ो, जुबानी मत याद करो, देख के बस पढ़ो, ताकि आपको बोलने आए ना। जब एक चीज बोलनी आ जाती है ना तो फिर उसके स्पेलिंग बनाना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। एरम, तो आप पता है ARUM, एरम, ठीक है। इस तरह करके आप जब उसे याद करते हैं तो वो चीजें आपके माइंड में बैठना शुरू हो जाती हैं। हैबिटेट, ये तमाम के तमाम प्लांट्स जो हैं ये आपके ज्यादातर नॉर्थन एरियाज में लाइक सिंध, गिलगित, सवात, अयूबिया एंड नथिया गली, वहां पर पाए जाते हैं। इनकी टॉक्सिकोलॉजी की वजह क्या है, इनमें कौन सा ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से आपको माउथ की या ओरल टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो एक चीज याद रखिएगा, इनमें कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने बताना है कैल्शियम ऑक्सलेट इज अ रीजन, दैट्स व्हाई अगर आप इन्हें इंगल्फ करते हैं इट इज कॉज अ माउथ अल्सर्स और मे बी या ब्लिस्टर ऑन योर टंग एंड इंक्रीज द सलाइवेशन। So this type of the toxicity is produced when you engulf या administer या eat this nut. वो कौन कौन से साइनम सिम्टम्स हैं जो कि orally आपको मिलेंगे? The first one is the intense burning sensation. ऐसा होगा कि जैसे कि आपकी oral cavity में आग लग गई है, आपके मुंह के अंदर ऐसे जैसे किसी ने आग डाल दी, इतनी ज्यादा burning sensation होगी. And the mouth ulcers, the मुंह के अंदर ulcers के chances हो सकते हैं. डर्माटाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ योर म्यूकोसल लेयर, डर्मस यानी अपर लेयर ऑफ योर स्किन, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ब्लिस्टर ऑन योर टंग, आपकी जुबान के ऊपर छाले पड़ जाएंगे। इंक्रीज सलाइवेशन, इतना ज्यादा आपको सलाइवेशन होगी थ्रू पैदा होगा। एंड लॉस ऑफ द वॉइस, और सम टाइम आपकी आवाज भी जा सकती है, दिस इज ऑल्सो बी रिपोर्टेड इन द सम केसेस व्हेन यू आर इंगल्फ इन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ दिस प्लांट्स। तो बच्चों इस चीज का आपने ख्याल रखना है, बट दीज आर द प्लांट्स व्हिच इज प्रेजेंट इन योर नॉर्दर्न एरियाज, व्हेनेवर यू गो देयर डोंट ट्राई टू इंगल्फ और ईट दिस प्लांट, अदरवाइज दिस टाइप ऑफ द सिम्टम्स इज अपीयर ऑन योर माउथ ओरल कैविटी, फिर आप चीखे मारेंगे वहां पे और आपका सारा ट्रिप और फंक्शन जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट इस पोर्शन में से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हैं। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? फिजा तारिक अपना माइक ऑन करेंगी। फिजा ताहिर, फिजा ताहिर अपना माइक ऑन करें। सीआर फिजा की एब्सेंट मार्क करनी है आपने आज के लेक्चर में, क्योंकि उन्होंने मेरा माइक ऑन, मेरे कहने पे माइक ऑन नहीं किया तो आप उसकी एब्सेंट मार्क करेंगे, ठीक है। मदीहा माइक ऑन करो बच्चे अपना। यस सर, माइक ऑन करें, वेरी गुड, चलें जी। बच्चों को थोड़ा पीछे कर दें, बच्चों को घुमा दें, ओके जी। हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आप लोगों का प्लांट टॉक्सिक टू द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। अगर आप कोई प्लांट ये वाले इस कैटेगरी के प्लांट को इंटेक करते हैं तो ये प्लांट आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा यानी आपके स्टमक को डैमेज करेगा, और इसका ओरल कैविटी पे कोई इफेक्ट नहीं है। ये प्लांट आपके स्टमक के अंदर जाकर यानी ओरल कैविटी कुछ नहीं करेगा, जैसे ही आपके स्टमक में जाएगा तो स्टमक की लाइनिंग की इन्फ्लेमेशन कॉज कर देगा। वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज होते ही आपको दर्द होना शुरू हो जाएगी, बर्निंग सेंसेशन होगी, इरिटेशन स्टार्ट होगी, वॉमिट स्टार्ट हो सकती है, नोजिया हो सकता है, इस तरह के साइन एंड सिम्टम मिल सकते हैं। तो ये जो ड्रग है ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डिस्टर्ब करते हैं रादर देन आपकी ओरल कैविटी को। तो फर्स्ट नेम ऑफ द प्लांट, दिहा
यस सर। पढ़े पढ़े बच्चे, दिहा यस सर। पढ़े बच्चे, पहला नाम पढ़े, बच्चे को खाना बाद में खिलाएं, नाश्ता क्लास ले ले। ओके सियाद, दोबारा से रिपीट करें नेम ऑफ दी प्लांट्स। द प्लांट टॉक्सिक टू द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, वो कौन कौन से प्लांट्स हैं? द फर्स्ट वन इज अ सर, फर्स्ट वन इज नार्किसस स्टजिटा, सेकंड इज मेरेलस विटाई, एंड थर्ड क्रिनम एसी एटकम। ठीक है, ये तीन प्लांट्स हैं जो कि आप लोगों के हैं जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा से ताल्लुक रखते हैं, और इनकी हैबिटेट क्या है? ये मेजॉरिटी आप लोगों के गिलगित और सवात के एरियाज में पाए जाते हैं, ज्यादातर वहां पर ही इनकी कंसंट्रेशन या इनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू आप लोगों के जो है मैदानी इलाकों में। लेकिन हम बात करें सिंध और पंजाब की, तो वहां पर आपको क्रीनियम वाला प्लांट जो है वो मिलेगा। अब वो कौन सा ऐसा केमिकल है जो इस प्लांट में पाया जाता है जिसकी वजह से आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, यानी जीआईटी टॉक्सिसिटी, स्पेशली गैस्ट्रिक टॉक्सिसिटी आपको हो जाती है? तो ये याद रखिएगा, इस प्लांट के अंदर जो क्लास ऑफ द केमिकल है इज अल्कोलाइड। अल्कोलाइड वो क्लास है जो इस प्लांट में पाई जाती है, और उस अल्कोलाइड में से एक ऐसा केमिकल है जिसे कहते हैं लाइकोरीन। लाइकोरीन ये वो केमिकल है जो बहुत ज्यादा डेंजरस है, और ये अगर आप इस प्लांट को इनटेक करेंगे तो ये गैस्ट्रिक जाके यानी आपकी जीआईटी को जाके डिस्टर्ब करेगा, और वहां पर कौन कौन से साइनम सिम्टम जनरेट करेगा? द फर्स्ट वन इज अ गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ योर स्टमक। इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस। जिस भी चीज के आकर पर टिस का वर्ड होगा, इट्स मीन द इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट एरिया इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस। बर्निंग एंड इन्फ्लेमेशन सेंसेशन ऑफ योर माउथ, माउथ के अंदर आपको बर्निंग और इन्फ्लेमेटरी सेंसेशंस महसूस होंगी। हेडेक बहुत कॉमनली, एंड इंक्रीज सलाइवेशन एंड नेजल सेक्रीशंस, यानी के आपकी नेजल सेक्रीशन और सलाइवेशन दोनों बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी व्हेन जब आप ये प्लांट्स इस्तेमाल करेंगे या यूज करेंगे। ठीक है, हमारी थर्ड कैटेगरी है गैस्ट्रो इंटेरिक इरिटेंट प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स अगर आप इन्हें इनटेक करेंगे तो ये आपकी गैस्ट्रो इंटेरिक यानी आपकी जीआईटी के अंदर इतनी ज्यादा इरिटेशन स्टार्ट करेगा कि आपको वॉमिट स्टार्ट हो जाएगी। दुनिया में वो तमाम चीजें, कोई भी ऐसा केमिकल जो आपकी जीआईटी की इरिटेशन कॉज करवाता है, उनको हम लोग काउंट करते हैं आप लोगों के गैस्ट्रो इंटेरिक इरिटेंट प्लांट्स के अंदर। ठीक है, द नेम ऑफ द प्लांट क्या है सियार? प्लांट नेम एसिकुलस इंडिका। एसिकुलस, एसिकुलस इंडिका। जी 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 जी, बोलता है ए वाले को ए सी सी, यानी कि एस ई सी कू, यानी सी यू कू लस एल यू एस लस ऐसी कू टी का। ठीक है, तो ये आपका नेम ऑफ द प्लांट है। इसकी फैमिली क्या है? हिप्पोकैस्टेनेसी। ठीक है, हिप्पोकैस्टेनेसी ऐसे बोलेंगे इसे। ठीक है, हिप्पोकैस्टेनेसी। और हैबिटेट इसकी क्या है? कश्मीर, ज़ियारत, क्वेटा, मरीसवाद। तो वहां जाकर अगर आपको इस तरह के पौधे नजर आए जिन पे इस तरह के फूल होंगे, तो आपने कभी भी ट्राई नहीं करना इसे खाने की। अगर ट्राई करेंगे तो आपकी ट्रिप जो है वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपकी जीआईटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसमें कौन सी ऐसा केमिकल पाया जा रहा है जिसकी वजह से आपके जो है बॉडी के अंदर ये जीआईटी इरिटेशन स्टार्ट करेगा? तो इसमें जो पाया जाने वाला केमिकल है वो है ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड भी जिस तरह अल्कोलाइड एक मेजर क्लास है,
और उसके अंदर एक केमिकल था जिससे हम लोग लाइकोरीन कहते हैं, जो कि आपकी जो पीछे गैस्ट्रिक मिटास है वो है आपकी ग्लाइकोसाइड, और उसके अंदर एक केमिकल है जिसका नाम क्या है, सेपोनिन। ये सेपोनिन वो केमिकल है जो कि आपकी बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक, और इसके साइन एंड सिम्टम्स में क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा की इन्फ्लेमेशन होगी। इसके बाद है पेप्टिक अल्सर, यानी कि आपको अल्सर हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर इज अ जनरलाइज्ड टर्म, मैं बता दूं, पेप्टिक अल्सर जो है इसमें आपका डुओडेनम अल्सर भी है, इसमें आपका स्टमक अल्सर भी है, और इसमें आपका एसोफेगस अल्सर भी है। इट्स अ जनरलाइज्ड टर्म। Whenever you use the word of the duodenum ulcer, it means the ulcer is specifically in the duodenum. Whenever you use the term is a gastric ulcer, it means the ulcer in the stomach, and the esophageal ulcer is represent the esophageal ulcer. But the peptic ulcer is a generalized term, and it includes all three types of the ulcers in it. And the third one is the inflammation of the eye, especially the white area of the eye, which is called a conjunctiva. But the inflammation is in the white portion of the eye is called a conjunctivitis. Tus is always represent the inflammation of that area. Vomiting, fever, headache, and the severe sneezing. These are the symptoms whenever you eat this plant. इसके बाद हमारा एक और प्लांट है विच जो भी इसी कैटेगरी में आएगा, जो कि गैस्ट्रिक एंटेरिक इरिटेंट प्लांट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि अब ये सारे प्लांट्स इनके सोर्स वजह से इन्हें सेपरेट कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, ओके जी। एहसान इलाही साहब अपना माइक ऑन करें। जी सर। ओके जी, द नेम ऑफ द प्लांट, पोडो, वेरी गुड, पोडो, पी ओ पो डी ओ डो, पोडो, फाइ पी एच वाई फाइ लम एल डबल एल यू एम लम, पोडो फाइलम, इमोडी, ई मो डी, ठीक है। देन द नेम ऑफ द फैमिली, बेरी, बेरी डीसी, वेरी गुड, बेरी, बेरी डीसी, बेरी डीएससी, बेरी डीएससी जी। हाँ, ये डीएससी भी बोल सकते हैं, क्योंकि समटाइम क्या होता है हमें डीएससी बोलने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो वर्ड सही तरह प्रोनंसिएट नहीं हो पाता, तो हमें उसको रोकना पड़ता है। ये आपकी इंग्लिश की एक ग्रामर के अंदर सिखाई जाती है चीजें। तो इसकी हैबिटेट क्या है, कश्मीर, मरी, सवात एंड गिलगित। And the toxicity, the toxic chemical which is podophyllene, which is present in a podophyllum imodium. ये वो chemical है, अगर आप टाइम से आपकी वॉमिट स्टार्ट कर दे, क्योंकि इंडिकेट का नाम ही उसका है पोडोफाइलम इमोडी से निकला हुआ है, एमएसएस का मतलब होता है उल्टी आना। तो अब्डोमिनल पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन, ये बच्चे जो आपको बिल्कुल जहां पर आपकी PIT की बात नहीं हो रही, स्किन की बात की जा रही है, फीवर, डायरिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई, यानी नेम कौन कौन से हैं। अगला हमारा नेक्स्ट है, जो हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट पढ़ेगा, द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज मदीहा जावेद, या मदीहा जावेद, मदीहा जावेद प्लीज ऑन योर माइक, मदीहा। ओके बच्चे, द नेम ऑफ द प्लांट इज अ
एब्रस मैडम बोले मदीहा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे बच्चे सर वो माइदा जावेद है मैं मदीहा अजीम हूँ वो माइदा जावेद है आप मदीहा अजीम है कहाँ अजीम लिखा हुआ बच्चे आपका जावेद लिखा हुआ है वो माइदा जावेद है ओके 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 सॉरी माजरा जावेद मैडम जावेद जरा पढ़े सर आवाज आ रही है जी जी आ रही है अब लेग्यूमिनोस नहीं नहीं पहले प्लांट का नाम पढ़े जरा अच्छा अच्छा अब एब्रस पेक्टोरियस वेरी गुड अब रस ये रस खाने वाला रस है अब रस पेक्टोरियस पेक्टोरियस एब्रस पेक्टोरियस ऐसे बोल रहे हैं लेकिन वो आपके लिए मुझे तोड़ तोड़ कर जरा खींच खींच के बोलना पड़ता है एब्रस पेक्टोरियस आपने कहा ना हमारे सर को भी नहीं बोलना आता लेकिन वो हम लोग जब ना इसे स्मूथली बोलते हैं ना तो देन स्टाइल चेंज हो जाता है बोलने का वर्ड अभी तो आप लोगों को याद करवाने के लिए मेरी आदत है मैं बच्चों की तरह याद करवाता हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी टफ वर्ड क्योंकि ये डेली लाइफ के वर्ड नहीं है और फैमिली का नेम क्या है बच्चे लेग्यूमिनोस वेरी गुड लेग न्यू मी नोज ठीक है लेग्यूमिनोस ये बोलेंगे ठीक है लेग से है ये वर्ड इसकी हैबिटेट कहाँ पर है सिंध कश्मीर और स्पेशली सिंध और कश्मीर के वो एरिया जो कि जमीन से 3000 से 5000 फुट बुलंदी पर यानी 3000 टू 5000 फीट जो है वो बुलंदी पर होंगे वहां पर स्पेशली पाए जाते हैं और इन क्लास के अंदर जो सबसे ज्यादा डेंजरस केमिकल है इज एब्रीन एब्रीन इज अ केमिकल विच इज अ टॉक्सिक इन नेचर whenever you eat this is a chemical to produce a toxicity aur iski toxicity se kya hoga specially ye hai ki agar bacche galti se by mistake seeds of this plant jo hai intake kar lenge to unka cardiac arrest ho jayega at the spot unki death ho jayegi itne zyada ye dangerous hai cardiac arrest kar dete hain bachcho mein इसके अलावा स्वेयर गैस्ट्रोएंट्राइटिस यानी कि जीआईटी के साथ साथ आपकी इंटेस्टाइन की भी इन्फ्लेमेशन कर देते हैं नोजिया वॉमिट ट्रम्बलिंग ऑफ द हैंड यानी हाथों का कांपना बहुत ज्यादा एंड मस्कुलर वीकनेस ये भी बहुत बड़ा इशू है आप लोगों का ये याद रखिएगा इन प्लांट्स का बहुत बड़ा इशू है ठीक है इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लांट है जो कि कैटेगरी चेंज हो गई है अब इसका है प्लांट कॉजिंग द ड्राइनेस ऑफ द माउथ वो प्लांट जो के ड्राइनेस ऑफ द माउथ कॉज करते हैं यानी कि जिनको खाने से आपका मुंह जो है वो ड्राई हो जाता है उसका नाम है द तूरा स्ट्रामोनियम ये प्लांट का नाम है और इसकी फैमिली है सोलिनिएसी बहुत फेमस फैमिली है बहुत फेमस प्लांट है इसके ऊपर लिख लें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर बुक अपनी बुक के ऊपर ये बहुत फेमस प्लांट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है दतूरा के बारे में ये भी अप्रोक्सीमेटली 5000 टू द 9000 फीट ऑफ मतलब एटीट्यूड ऑफ द सवात गिलगित चित्राल मरी एंड कश्मीर वहां पे ये पाए जाते हैं अगर इनकी टॉक्सिसिटी देखी जाए तो ये याद रखिएगा दतूरा स्ट्रामोनियम इनके अंदर जो सबसे ज्यादा मेन केमिकल है वो है आपकी हायोसिन एंड हायोस्टाइमीन ये दो केमिकल ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा डेंजरस हैं ये आपकी बॉडी में जाते ही आपके माउथ की ड्राइनेस कॉज करते हैं यानी कि आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो स्लाइवेशन है वो स्टॉप हो जाती है माउथ की बहुत ज्यादा ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है इसके साइनम सिम्टम्स क्या है ड्राइनेस ऑफ द माउथ दिस एपनिया eyesight weakness and the muscle weakness ठीक है ओके बच्चों सब बच्चे क्लास उसी की क्लास में स्टूडेंट्स हमारे पास जो है जैसे हमने पहले भी मैंने आपको बताया प्लांट कॉजिंग ड्राइनेस ऑफ द माउथ जिसमें हमने दतूरा पढ़ा था इसी में हमारे पास एक और प्लांट है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वाइवे में या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्लांट को भी बहुत पूछा जाता है द नेम ऑफ द प्लांट इज अ एट्रोपा
बैलेडोना, एट्रोपा बैलेडोना इसका नाम है, जिसे हम लोग एट्रोपा बैलेडोना बोलते हैं। ये भी सोलिनेसी फैमिली से ही ताल्लुक रखता है और ये प्लांट भी बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है और इसको बहुत ज्यादा बाइबल में हर जगह पूछा जाता है। ये भी अप्रोक्सीमेटली आपके मरी, हुंसा, मानसेहरा एंड चतराल में 6,000 to 1,000 feet पर बुलंदी पर पाया जाता है। ये इसकी क्लास का भी ताल्लुक बेसिकली आपके अल्कोलाइड से ही है। यहाँ पर जो मेजर क्लास है वो अल्कोलाइड, और अल्कोलाइड के अंदर से एक स्पेशल आपका केमिकल, द नेम ऑफ द केमिकल इज एट्रोपीन। एट्रोपीन ये केमिकल जो है हमारे पास आज भी है, हम इसके आई ड्रॉप्स बनाते हैं। हमारे पास आई ड्रॉप्स की शक्ल में ये एट्रोपीन अवेलेबल है वो पेशेंट जिनका आई का एग्जामिनेशन होना होता है, यानी कि उनकी आई के बैक साइड पे हमने उनका लेंस चेक करना है या उनका हमने रेटिना चेक करना है, तो हम लोग इन्हीं ड्रॉप्स का इस्तेमाल करके उनके आई की जो प्यूपल है, जो आंख की पुतली जिसे बोला जाता है, उससे फैलाते हैं यानी डायलेट करवाते हैं। डायलेशन ऑफ द आई प्यूपल, डायलेशन ऑफ द प्यूपल इज कॉल्ड मेड्रियासिस, 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 उसे मेड्रियासिस कहते हैं, और एट्रोपीन का ये इफेक्ट है। तो एट्रोपीन इज ओनली यूज्ड इन द हॉस्पिटल और इन द आई क्लिनिक जस्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द आई, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ आई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमें इसे कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। ओके जी, अब इसके एट्रोपीन इसका टॉक्सिक केमिकल है, अगर आप उसे इंटेक कर लेंगे तो ये आपकी ड्राइनेस ऑफ द माउथ, इसका मतलब ये है कि ये भी आपकी बॉडी में सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से आपकी ड्राइनेस ऑफ द माउथ हो जाएगी, मसल रिलैक्सेशन हो जाएगी, फीवर, नोजिया एंड वॉमिट, ये आपको बहुत कॉमनली साइड इफेक्ट्स मिलेंगे। अब एक और क्लास है, द प्लांट कॉजिंग द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, वो प्लांट जो आपकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को कॉज करती है, यानी कि वो प्लांट जिनके इस्तेमाल करने से आपकी जी आई टी की जो है वो स्टार्ट हो जाएगी मूवमेंट्स, जिसे हम पैरास्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं, तो हो सकता है कि इससे आपको जो है डायरिया भी हो जाए। तो शाहिद अली प्लीज ऑन योर स्विच ऑफ योर स्विच ऑन योर माइक ऑफ कह रहा हूँ सॉरी शाहिद अली माइक ऑन करें, वेरी गुड। द नेम ऑफ द प्लांट क्या है? शाहिद आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे बच्चे। ओके जी, सरवत ने हाथ खड़ा किया जी, बच्चे सरवत। सर एट्रोपिया बेलाडोना। नहीं बच्चे, दूसरे का नाम, दूसरा जो नीचे वाला प्लांट है, कोनियम वाला, कोनियम, कोनियम, कोनियम जी, मैक्यूलेटम, 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 कोनियम मै वेरी गुड। और इसकी फैमिली कौन सी है? वेरी गुड, एम बी ली, एम बी ली फियर फर, हाँ फर बोलेंगे, एम बी ली फर, एम बी ली फर, फर, इसे फर बोलना, बस फर, फर बोलना, इसे फर एसी नहीं बोलना, ये एसी नहीं है ये, हाँ जी। हैबिटेट इसकी क्या है? हुंजा, हजारा, एफ्टाबाद, हिल्स ऑफ मरी एंड कितराल। आपका आपने सिर्फ नाम था बस, ठीक है, आप ऑफ कर लें माइक। आप लोगों ने ठीक है, बच्चे कम हो गए हैं पिछली क्लास के निस्बत। और ये टॉक्सिकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इसमें भी अल्कोलाइड्स ही मेजर आपकी क्लास हैं जो पाई जाती हैं, और अल्कोलाइड्स के अंदर आपके पास कोनीन, कोनीन ही बोलेंगे इसे हम लोग, कोनीन एक केमिकल है, या सूडो कोनोहाइड्रीन, या फिर उसके अलावा आपके पास है एन मिथाइल कोनीन, ये केमिकल्स पाए जाते हैं। ये केमिकल्स जो है आपकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इनहेंस करते हैं।
साइना में सिम्टम्स अगर इसके देखे जाएं तो ये इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी, इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी को इनहेंस करते हैं, पैरालिसिस ऑफ द मोटर नर्व एंडिंग, मोटर नर्व एंडिंग की पैरालिसिस करते हैं, यानी कि मसल्स को ब्लॉक कर देते हैं जिससे आपकी मूवमेंट्स खत्म हो जाती है, यानी कि आपको फालेज हो जाता है, पैरालिसिस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की पैरालिसिस कर देते हैं। अगर एक बात याद रखिएगा, अगर इन्होंने स्पाइनल कॉर्ड की पैरालिसिस कर दी, या पैरालिसिस आप बोलते हैं वैसे होता है बट पैरालिसिस ही है, पैरालिसिस कर दी, फालेज कर दिया, तो पूरी बॉडी गई, पूरी बॉडी आपकी फालेज में चली जाएगी, बेकार हो जाएगी। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो ऑटोमेटिकली आपकी सांस लेने में डिप्रेशन कॉज करेगा, एंड ड्रॉजीनेस, और आपको बहुत ज्यादा नींद आएगी। तो ये प्रॉब्लम है इस प्लांट की, ठीक है। और इसके बाद हमारा आज का लास्ट प्लांट है जो हमारे साथ डिस्कस करेगा यूसुफ खान साहब। खान साहब माइक ऑन करें अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपकी आवाज से तो लग रहा है कि आप मेरा ख्याल अभी तक अपनी गहरी नींद में ही हैं। नहीं सर। खान साहब ये जरा प्लांट का एक खूबसूरत सा नाम है, अपनी खूबसूरत सी आवाज में हमें सुनाएंगे, पढ़ के क्या आप कैसे पढ़ते हैं इसे? डिजिलेटस पर पूरा सर। नहीं बच्चे, ऊपर वाला वो वैसे वैसे वो उसका नाम है, वो नेक्स्ट क्लास में है, डिजिटाइलस पर पूरा, वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, लेकिन ऊपर वाला प्लांट है, ये ऊपर लिखा हुआ है प्लांट नेम छोटा सा, निकोटिनिया टोबैकम, टोबैकम बैकम, ठीक है, कोई बात नहीं खान साहब, होता है, ये नाम इतने मुश्किल हैं, हमें भी नहीं आते थे जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, हमें भी नहीं पढ़ने आते थे, चाहे हम जितने मर्जी पढ़कर आए हो अच्छे, हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है नामों को पढ़ने के लिए और याद करने में, ठीक है। निकोटिना टोबैकम, ठीक है। फैमिली क्या, कौन सी है इसकी? निकोटियाना है, ठीक है। फैमिली कौन सी है इसकी? सोलेनेसिया, सोलेनेसी, ठीक है। खान साहब वाकई सही में, ठीक है, कोई बात नहीं। खान साहब माइक ऑफ कर लें आप। इसके बाद हैबिटेट कहाँ पर ये पाए जाते हैं? तो ये आपके रूरल सिंध, पंजाब, और उसके अलावा जो है आपके पास NWFP, ठीक है। ये बच्चे नेक्स्ट टाइम मुझे बताएंगे ये किस एरिया का नाम है, अभी गूगल कर लेंगे तो गूगल में अभी बता देंगे। इस क्लास में से भी मेजर जो केमिकल है वो अल्कोलाइड है, और अल्कोलाइड्स हैं, और इसमें निकोटीन आपका केमिकल पाया जाता है, और निकोटीन मेरा ख्याल है बहुत कॉमन ऐसा केमिकल है जो आप लोगों को पता भी है कि जिसको नशे के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये डायरिया और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इनहेंस कर देता है, जिससे पेट में दर्द पड़े, दर्द होगी, वट पड़ेंगे जिसे आम जुबान में कहते हैं वट, और क्रैम्प्स वगैरह जो होते हैं वो पड़ना शुरू हो जाएंगे, और साथ आपको डायरिया यानी लूज मोशन लग जाएंगे। आज की ये जो जितने भी आपने प्लांट्स पढ़े हैं, इन प्लांट्स से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज है तो आप पूछ सकते हैं। आज का काम कंप्लीट है। इन सब प्लांट्स को आपने इनकी हैबिटेट तो तकरीबन मेजॉरिटी सबकी सिमिलर ही हम कंसीडर करते हैं। मेजॉरिटी साइनम सिम्टम टॉक्सिकोलॉजी एंड द नेम ऑफ द प्लांट, ये मेजर आपका टाइटल है जिसको आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे इस तरह सुनूंगा, फॉर एग्जाम्पल आपकी सोलिनेसी के कौन कौन से प्लांट्स आपने पढ़े, जितने भी आपने प्लांट्स सोलिनेसी फैमिली के पढ़े होंगे आपने मुझे नाम बताने हैं। एट्रोपा बेलाडोना जो है इसका, ये इसमें कौन सा ऐसा केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह से ये टॉक्सिसिटी जनरेट कर रहा है, नेम ऑफ द केमिकल इज एट्रोपिन, आपने मुझे बताना है। या मैं आपसे पूछता हूँ प्रेजिस्टेंस इमिसिस किसका साइनम सिम्टम है या किसका एडवर्स इफेक्ट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो किसका है, ठीक है। ओके जी, दतूरा का पूरा नाम क्या है, दतूरा में कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, इसकी हैबिटेट क्या है, इस तरह के क्वेश्चन करके मैं आप लोगों से सुनना है लाजमी, और आप याद रखिएगा वो आपके इंपॉर्टेंट है, सीआर अटेंडेंस सर आप मार्क करें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इस वजह से ये आपके प्रैक्टिकल में भी शामिल है, आपके वाईवे में भी शामिल है, आपके थ्योरी में भी शामिल है, तो अगर इसे अच्छे तरीके से तैयार नहीं करेंगे तो याद रखिएगा आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तीन जगहों पर ये आपके ये जो प्लांट्स नेम है इन्वॉल्व है, एक आपका प्रैक्टिकल, तो ये तीनों लिहाज से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पे फोकस करें। अब आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
सर ये जो एट्रोपाइन हम यूज करते हैं आप कह रहे हैं सिर्फ आई के अलावा कहीं नहीं यूज करते जी, इसके अलावा ब्रैडीकार्डिया में तो यूज करते हैं एट्रोपाइन को। मुझे समझ नहीं आई बच्चे आपने क्या बोला, आपकी आवाज कटती थी। एट्रोपाइन के बारे में आपने क्या कहा? एट्रोपिन को आई के अलावा हम कहीं पे भी यूज नहीं करते, लेकिन हम ब्रैडीकार्डिया में भी तो एट्रोपाइन को यूज करते हैं। करते हैं लेकिन बच्चे पता क्या है, वहां पे भी लिमिटेड इस्तेमाल है हमारे पास, इससे ज्यादा अच्छे मेडिसिन अवेलेबल हैं, इससे ज्यादा हाइड्रेलाजीन एक इंजेक्शन अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास बहुत बहुत अच्छे इंजेक्शन अवेलेबल है विच इज यूज इन द ब्रैडीकार्डिया, हम यूज कर सकते हैं। तो एट्रोपिन के क्योंकि जो दूसरे साइड इफेक्ट है, क्योंकि एट्रोपिन इज अ नॉन सेलेक्टिव मेडिसिन, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो नॉन सिलेक्टिव, इसका मतलब है इसने बॉडी के तमाम सिस्टम्स के ऊपर इफेक्ट देना है। तो ये आपके ठीक है, आपके ब्लड प्रेशर को जो हेल्प करता है इंक्रीज करने में, लेकिन उसके साथ साथ ये आपके दूसरे आपके इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो उसे इंक्रीज कर देता है, जैसे ग्लाइकोमा, आई की साइड इफेक्ट, ब्लड एडवियंस होना शुरू हो जाती है, इसके अलावा हेडेक बहुत ज्यादा और बहुत बेतहाशा साइड इफेक्ट जनरेट कर रहा है। तो दैट्स व्हाई हम उस इमरजेंसी कंडीशन में इससे अच्छी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। हाँ ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इसका इफेक्ट है, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द थेरेप्यूटिकल इफेक्ट, इट्स जस्ट इंक्लूड अंडर द एक्शंस। तो एक्शंस इज अनदर थिंग एंड थेरेप्यूटिकल एक्शंस इज अनदर थिंग। मुझे ये बताए रही साहब आप कौन इसके अलावा कौन सी डिग्री कर रहे हो? सर मैंने डीएचएमएस किया हुआ है, डिस्पेंसर किया हुआ है। माशाल्लाह, इसलिए आपकी नॉलेज अच्छी है क्योंकि वो ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा रेयर बच्चों को पता होता है, और इवन यहाँ तक कि वो स्टूडेंट जो डीपीटी के हैं या मेडिकल प्रोफेशन के हैं उनको भी ये जल्दी नहीं पता होती चीजें। इसका मतलब आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस है बच्चे? जी सर मेरी प्रैक्टिस है, मैं डॉक्टर हॉस्पिटल में इवनिंग में जॉब करता हूँ, मॉर्निंग में एक्सपो सेंटर में होता हूँ। वाह जी वाह माशाल्लाह, फिर इसी वजह से आपको ये क्लिनिकल प्रैक्टिस के क्वेश्चन है जो आपने अभी मुझसे पूछा है, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिस करता हूं, पेशेंट वगैरह चेक कर लेता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ग्रेट हो गया। इसका मतलब क्लिनिक भी बनाना है मैंने इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह आपका डीएचएमएस की रजिस्ट्रेशन मेरी हो गई है, बस बी कैटेगरी कंप्लीट होती है तो अपना क्लिनिक बनाना है मैंने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत तरक्कियां दे, मेरी दुआ आपके साथ है और बड़ा अच्छा लगा सुन के। सर जब क्रिटिकल कंडीशन होती है तो हम एट्रोपाइन ही ज्यादा यूज करते हैं, डॉक्टर ज्यादा एडेलाजी लबेटालोल वगैरह नहीं यूज करते, उस वक्त ये एट्रोपाइन ही लगा रहे होते हैं। पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि वो पेशेंट किस तरह की कंडीशन है, अगर उसको कोई आई या कहीं, बच्चे देखो जब आपने कोई भी मेडिसिन सिलेक्ट करनी होती है ना तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हो रहे होते हैं, हमने वो सारी चीजें पैरामीटर्स को माइंड में रखना है। अगर वो पेशेंट बिल्कुल हेल्दी है, नॉर्मल है और सडनली उसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो उसके लिए एट्रोपिन आप दे सकते हो क्योंकि उससे फिर उसकी दूसरी बॉडी ऑर्गन्स नॉर्मल है। अगर पेशेंट ऑलरेडी आई की डिजीज से सफर कर रहा है या उसे हार्ट का कोई मसला है तो फिर नहीं आप यूज कर सकते, फिर आपको लिमिटाइज होना पड़ता है, फिर आपको ऐसी ड्रग्स यूज करनी पड़ती है जो सेलेक्टिव हो ना कि नॉन सेलेक्टिव। तो सिलेक्टिव ड्रग्स ऑलवेज इफेक्ट ऑन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, तो अदर पार्ट्स पे वो कभी इफेक्ट नहीं जनरेट करेगा। तो बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, आप ये नोट करना कि वो क्या हर पेशेंट में एट्रोपिन इस्तेमाल करते हैं, आई डोंट थिंक सो। अगर वो ये कर रहे हैं तो वो गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपको बस हर जी, जी, नहीं करते वही ना, हर में नहीं कर सकते, पेशेंट की कंडीशन देख करते हैं। तो आप क्रिटिकल कंडीशन में तभी करते हैं वो, उसमें उसका ये भी देखना, ये देखो ब्रैडीकार्डिया के साथ उसका ब्लड वॉल्यूम लेवल कहां गया, अगर वो स्वेयर लेवल पे डाउन है ना फिर तो कंफर्म एट्रोपिन इस्तेमाल होनी है क्योंकि इससे रैपिडली जाकर बॉडी के तमाम सिस्टम को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे लेकर आना है, और सिंपैथेटिक मींस एमरजेंसी कंडीशन, तो एमरजेंसी मींस कि उसकी बॉडी को स्टिमुलेट करना है, अगर वो नहीं करेंगे तो वो मर जाएगा। तो ये उस कंडीशन में होगा जब वो स्वेयर लेवल पर बीपी लो होगा, हार्ट तकरीबन ब्रैडीकार्डिया मींस उसकी इतनी स्लो बीट हो चुकी होगी कि समझ लो कि अगर उसे थोड़ी देर में मेडिसिन ना दी गई तो वो मर जाएगा, ठीक है। Yes, thank you.